विश्व ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम द्वारा ब्रांज मेडल जीतने के उपलक्ष्य में आज नेहरू स्पोर्टिंग क्लब द्वारा महात्मा गांधी स्कूल के निर्माणाधीन टर्फ ग्राउंड में जीत का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर आतिशबाजी कर मिठाई बांट कर खुशियां मनाई गई, जिसमें नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के खिलाड़ी, गढ़ पदाधिकारी एवं खेल प्रेमी उपस्थित रहे। उक्त अवसर पर नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी ने देशवासियों को हॉकी के इस जीत की बधाई दी एवं कहा कि जल्द ही बालाघाट में हॉकी का शानदार और यहां की टूर्नामेंट कराया जाए, जिसमें भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। मध्य प्रदेश हॉकी के उपाध्यक्ष विजय वर्मा ने कहा कि यह वह पवन ग्राउंड है जहां से हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी निकले हैं। इसी ग्राउंड से पहली मरतबा प्रदेश हॉकी टीम के लिए वर्तमान ओलंपियन विवेक सागर का भी चयन किया गया था। उक्त अवसर पर तुषार मानकर, सुशील वर्मा, मकरंद अंधारे, राधे लाल दौने, संतोष कौड़े, सौरभ आस्टकर, पार्षद श्री सुधीर चिले, श्री सोहेल खान, हॉकी कोच सुनीता सिद्दीकी एवं हॉकी के उदयमान खिलाड़ी उपस्थित रहे। कि हमारा राष्ट्रीय खेल आज इस मुकाम पे है, इसके लिए मैं सभी हिंदुस्तान वासियों को धन्यवाद देती हूँ कि आज हमारे एक खिलाड़ी का लॉस होने के बाद भी हमारी टीम ने थर्ड पोजीशन लाई। इसके लिए सभी टीम को और बालाघाट वासियों को बहुत बहुत बधाई। गर्व और खुशी का माहौल है। आज हम निश्चित ही रजत कांस्य पदक की खुशी मना रहे हैं, लेकिन हम निश्चित ही गोल्ड मेडल की खुशी मनाते। जिस माहौल में हम लोगों ने आज रजत पदक के लिए भी दावेदार रहते अगर गोल्ड मेडल में हारते, तो हमने जिस तरह से कांस्य पदक जीता है वो बड़े संघर्ष का और बड़े विपरीत उसमें परिस्थितियों में जीता है। ऐसा लग रहा था कि पूरी हिंदुस्तान की टीम के खिलाफ पूरा विश्व लाम बंद है, लेकिन उस भ्रम को तोड़ते हुए भारतीय हॉकी टीम ने जिस तरह कांस्य पदक पे अपना कब्जा जमाया है वो बहुत गर्व और स्वर्ण पदक के बराबर ही माना जाएगा। और ख़ासकर इसी मैदान में जो विवेक सागर इंडिया टीम में खेल रहे थे, मध्य प्रदेश के DSP हैं, इसी मैदान में उनका पहली बार चयन हुआ था, इसलिए हम भी बहुत गौरवान्वित हैं कि वो एक बहुत होनहार खिलाड़ी हम लोगों के बीच से आज हिंदुस्तान के एक हॉकी टीम में अपनी जगह बनाए हुआ है, यही मैं कह रहा हूँ। और बहुत खुशी है कि आज हम लोग आप बच्चों के साथ हैं, बच्चों को माहौल देखने को मिला है, ये बच्चों में जो सा जज्बा जगेगा ये आगे बढ़ेंगे और अच्छे से अच्छा खेलेंगे। हमारी कोच सुनीता सिद्दीकी और उनके हस्बैंड लगे रहते हैं और बहुत अच्छे यहाँ से लड़के एस्ट्रो टर्फ होगा, तो हो सकता है एक आध हिंदुस्तान में भी खेलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।